इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको आईफोन के अंदर कोल्ड फीड दिखाती है तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसको सोल्व हम कैसे कर सकते हैं आईफोन के अंदर, आईओएस के अंदर, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास आईफोन है, उसके अंदर हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, यहाँ पर वो मैं बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से बैक ला दीजिए आप और अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए और उसके बाद मोबाइल डेटा पर यहाँ से चले जाइए और उसके बाद आप जो है यहाँ पर नेटवर्क सिलेक्शन कर सकते हैं। नेटवर्क सिलेक्शन में जो भी आपके पास नियर वे नेटवर्क आ रहा हो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली होगा। ऐसा होता है एक्चुअली में कभी किसी के नेटवर्क नहीं आते हैं तो ये भी इशू देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पर किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि यहाँ पर उससे मर्ज करता हुआ हो, ठीक है। और आपको बैलेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बैलेंस आपको यहाँ पर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ सेकंड्स बच रही हों वो ख़त्म कर दी हो उसके बाद आप उसको चलाएं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है खास करके ध्यान रखिएगा कि मोबाइल डेटा में आपका फ़ोन का जो यहाँ पर ऑप्शन होगा वो स्टार्ट रहना चाहिए जिससे आप कॉल मिलाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर स्टार्ट रहना चाहिए, बंद नहीं रहना चाहिए। और ख़ास करके आप यहाँ पर जो अपडेट अभी आ रहा है तो उसको अपडेट को भी आपको कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एक चीज़ और करिएगा कि अपने फ़ोन के अंदर से सिम निकाल लीजिएगा एक दफ़े और दोबारा फ़ोन को बंद करके खोलिएगा और फिर आपको जो इशू आ रहा होगा वो सॉल्व हो जाएगा सिम को एक दफ़े निकालने डालने के बाद। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।